गांधी सभागृह में गुरुवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ज्ञानेश्वरी यादव और जगदीश विश्वकर्मा को सम्मानित किया गया। बता दें कि शहर की ज्ञानेश्वरी यादव ने दिल्ली में आयोजित एशियन यूथ ऑफ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 49 भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। ज्ञानेश्वरी ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी के साथ ही शहर के वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी जगदीश विश्वकर्मा ने 11 से 16 जुलाई को यूथ जूनियर सीनियर ग्रेटर नोएडा दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में 96 भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सॉरी, अभी हाल ही में हुए टूर्नामेंट कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप यूथ जूनियर सीनियर 11 से 16 जो ग्रेट नोएडा दिल्ली के एनसीआर लखनऊ स्टेट में हुआ, जहाँ ज्ञानेश्वरी ने जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल ली और सीनियर वर्ग में गोल्ड मेडल ली, और उसी में हमारे यहाँ के जगदीश विश्वकर्मा ने भी गोल्ड मेडल लिया 96 केजी ग्रुप में, और ज्ञानेश्वरी ने तो हैट्रिक कर दी, गोल्ड, दो गोल्ड और बेस्ट लिफ्टर भी ली। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। छत्तीसगढ़ के दो खिलाड़ी ने परचम लहराया और राजनांदगांव का नाम रोशन किया। चाहे ज्ञानेश्वरी यादव जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लाया, जगदीश विश्वकर्मा जिन्होंने ब्रांच लाया, दोनों ही बच्चे ने आज हमारे राजनांदगांव को गौरवान्वित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसके पहले भी जब सिल्वर मेडल लेके आई हुई थी ज्ञानेश्वरी, तो उन्होंने घोषणा किया था कि उन्हें हम SI का पद देंगे। आज उसके पास नियुक्ति आ गई, वो बहुत जल्द ज्वाइन करने वाली है।